नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक का कवर करेंगे वो औद्योगिक इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से गिना जाता है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी की। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। UCL फैक्ट्री जो कि 1969 में बनी थी, जिसका पर्पज़ था पेस्टिसाइड बनाना, जिसमें वो इंटरमीडिएट MIC जो मिथाइल आइसोसाइनाइड यूज करते थे, जो MIC प्रोडक्शन था उसका प्लांट UCL में 1979 में ऐड किया गया। जिसके बाद क्या हुआ, जो भोपाल प्लांट बनने के बाद क्या होता है, जो अदर मैन्युफैक्चरर थे वो प्रोड्यूस करने लगे कार्बाराइल बिना MIC इंटरमीडिएट यूज किए, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हालांकि ज़्यादा थी लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस करते थे कार्बाराइल। उसके बाद क्या होता है, अर्ली 1980s में पेस्टिसाइड का जो डिमांड है वो लगातार घटने लगता है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है, MIC जो अनयूज होता है उसका स्टोरेज क्या होता है, बढ़ने लगता है। दोस्तों, यह है UCL फैक्ट्री का फोटोग्राफ, देख सकते हैं इसमें ये जो फैक्ट्री है आपका। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये गैस ट्रेजेडी एकदम से हो गई, बहुत से इंडिकेशन मिले थे लेकिन ये मैनेजमेंट की तरफ से इसको बार बार इग्नोर किया गया, जो कि जब पहला इंसिडेंट रिपोर्ट किया था वो 1976 में, जब दो लोकल ट्रेड यूनियन कंप्लेन करते हैं कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन का प्रोडक्शन जो कि प्लांट में के अंदर ही हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है काम करने वक्त, लेकिन इसको इग्नोर किया गया मैनेजमेंट की तरफ से। उसके बाद भी इतना ही नहीं, 1981 में क्या होता है कि एक वर्कर जो कि पाइप मेंटेनेंस का काम कर रहा था, एक्सीडेंटली उसके साथ क्या एक्सीडेंट होता है, जो फोस्जिन गैस क्या है स्प्लेस्ड हो जाती है उसके ऊपर, जिसके वजह से वो पूरी तरह से झुलस जाता है और एट लास्ट उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ वो जनवरी 1982, उसमें क्या होता है, फोस्जिन गैस लीक हो जाती है, जिसकी वजह से 24 वर्कर जो काम कर रहे होते हैं वो क्या है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है उनको। ठीक है दोस्तों, ये सिलसिला यहाँ तक नहीं रुकता, आगे चलता रहता है। अब क्या होता है, 1983 और 1984 के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट रिपोर्ट होते हैं, जैसे कि MIC लीक, क्लोरीन, मोनोमिथाइल अमीन, फोस्जिन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये सारी गैसें कॉम्बिनेशन में लीक हो जाती है, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा कि कितनी लापरवाही मैनेजमेंट की तरफ से होती जा रही थी। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ लिक्विड MIC स्टोरेज कैसे हुआ। भोपाल UCL फैसिलिटी में 3 अंडरग्राउंड टैंक हाउस्ड किया गया था, जिसकी कैपेसिटी 68,000 लीटर MIC लिक्विड की थी। जो तीन टैंक थे उनका नाम E610, E611 एंड E619 था। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट E610 था, UCC यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का सेफ्टी रेगुलेशन था कि कोई भी टैंक 50% से ज़्यादा MIC लिक्विड यानी कि 30 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, अक्टूबर 1984 के लास्ट वीक में, अंत में टैंक E610 जो नाइट्रोजन गैस प्रेशर को इफेक्टिवली कंटेन करना बंद कर देता है, और जब फेलियर होता है तब E610 में 42 टन MIC लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि 30 टन होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 42 टन होता है। अब जो वहाँ के इंजीनियर और वर्कर मिलकर रीएस्टेबलाइट करते हैं प्रेशर को टैंक 610, अब क्या होता है 1 दिसंबर को लेकिन फिर से फेल हो जाते हैं ठीक करने में, और 42 टन MIC उसी में रह जाता है, बाहर पंप आउट नहीं हो पाता है।
अर्ली दिसंबर 1984 को क्या होता है, ज़्यादातर MIC रिलेटेड सिस्टम और वेल्स जो है काम करना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत पुअर कंडीशन में होते हैं जो उनके वेल्स होते हैं, उन पर जंग भी लगा होता है। यहाँ तक की वीडियो आई है कि उसमें जंग लगा था। तो दिसंबर 1984 की देर शाम को वाटर क्या है इंटर करता है पाइप के साइड से टैंक E610 में, जो कि 42 टन ऑफ MIC कैरी कर रखा था, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। E610 को का प्रेशर जो है नॉमिनल रहता है, जो कि कितना होता है @2 PSI। दोस्तों जो ये PSI है वो यहाँ पे क्या है, पाउंड पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। लेकिन रात के 11 बजते बजते ये हो जाता है 10 PSI पे तक पहुँच जाता है, और 11:30 बजे तक जो वहाँ के वर्कर्स जो होते हैं MIC प्लांट के एरिया के अंदर, वो क्या है माइनर एक्सपोजर ऑफ MIC गैस फील करने लगते हैं और देखते हैं कि लीक कहाँ से हो रहा है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये वही टैंक है E610 जिससे गैस लीकेज हुआ था। दोस्तों बात करें एक्यूट इफेक्ट्स की, जो इनिशियल एक्सपोजर का इफेक्ट था जैसे कि खांसी, सीवियर आँखों में इरिटेशन, सफोकेशन, रेस्पिरेटरी में जलन होना, ब्रीथलनेस, स्टमक पेन्स, पेट में दर्द और वोमिटिंग इफेक्ट देखने को मिले थे, जो सिम्टम्स मिले थे, और हजारों की संख्या में अगली ही सुबह लोग मरे हुए थे। डेथ का जो प्राइमरी कारण था चोकिंग होना, जैसे कि कोई गला दबा रहा हो, रिफ्लेक्स सोजोनिक सर्कुलेटरी कोलैप्स जिसमें क्या होता है ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं, पुलमोनरी ओएडिमा जिसमें क्या होता है एक्सेस फ्लूड्स लंग्स में जमा हो जाते हैं, स्टील बर्थ रेट जो कि 300% तक इंक्रीज हो गया था, जिसका मतलब होता है जीवन से पहले ही उनकी, मतलब जन्म से पहले उनकी मृत्यु हो जाती थी बच्चों की, और जो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट था वो लगभग 200% तक इंक्रीज हो गया था, जिसका मतलब था डेथ जो होती थी बच्चों की ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। डेथ और इंजरीज की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा लोग इस MIC गैस से प्रभावित हुए थे, और इसमें कम से कम 2 लाख सिर्फ बच्चे थे। एस्टिमेट जो डेथ टोल का था वो वेरी होता रहा, जो ऑफिशियल इनिशियल डेथ टोल रिपोर्ट किया गया था वो 2,259 लोगों का था, और दूसरे और एस्टिमेट में यह देखा गया कि 8,000 लोगों की मृत्यु 2 वीक के अंदर ही हो जाती है, और 8,000 से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा आता है जिनकी मृत्यु इस गैस रिलेटेड डिजीज से के कारण होती है, जैसे कि एक्यूट इफेक्ट्स में बताया गया। अब क्या होता है, 2006 में गवर्नमेंट एफिडेविट तैयार करती है जिसमें लिखा होता है 5,58,125 इंजरीज, जो इंक्लूडिंग 38,478 टेम्प्रेरी पार्ट इंजरीज और 3,900 सीवियरली एंड परमानेंटली डिसेबलिंग इंजरीज स्टेटेड की गई एफिडेविट में। दोस्तों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि उस टाइम रिपोर्टरों के द्वारा ली गई थी, बहुत सारे बच्चे कैसे इस गैस ट्रेजेडी के कारण मर जाते हैं। बहुत ही दुखद है ये घटना, आप अनुमान लगा सकते हो इस पिक्चर को सिर्फ देख के ही। दोस्तों अब इमीडिएट आफ्टरमैथ की बात करें तो क्या हुआ, क्या क्या हुआ इस ट्रेजेडी के बाद। सबसे पहले तो इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्लांट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया कि कोई भी पर्सन इसके अंदर नहीं जा सकता, और ना ही UCC यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई वो CSIR जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसके द्वारा की गई, और CBI के द्वारा की गई। जो वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम था
बहुत ही जल्दी ओवरलोड होने लगा क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। और जो वहाँ के डॉक्टर एंड हॉस्पिटल स्टाफ थे वो क्या है, अवेयर नहीं थे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट जो एमआईसी गैस इनहेलेशन हो गया है लोगों के द्वारा उसको कैसे प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, उनको कोई मेथड पता नहीं था। तो क्या होता है, कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ के आसपास के जो ट्रीज़ है वो बैरन हो जाती है और ब्लोटेड एनिमल कार केसेस दिखते हैं, मींस एनिमल की डेड बॉडी फूल जाती है, एक्सेस एमआईसी गैस के कारण फूल जाती है एनिमल की बॉडी। दोस्तों अब बात करते हैं जो सब्सिक्वेंट लीगल एक्शन लिए गए वो क्या क्या थे। सबसे पहला जो था लीगल प्रोसीडिंग्स जो यूसीसी को लेकर होने लगी, जिसमें यूएसए और इंडिया की गवर्नमेंट के बीच, क्योंकि जो फैक्ट्री का सीईओ और ओनर था वो अमेरिका का था जिसका नाम था वॉरेन एंडरसन, इसको मध्य प्रदेश के प्रशासन के द्वारा एयरपोर्ट पर 7 दिसंबर 1984 को गिरफ्तार कर लिया गया जब वो वहाँ पर पहुँचा था। इसके खिलाफ केस चला और बाद में इसको बेल भी ग्रांट हो गई जिस तरह से छूट गया। क्या होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक एक्ट पास करती है, भोपाल गैस लीक एक्ट इन 1985, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिया रिप्रेजेंटेटिव के तरह एक्ट करती है विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर की तरफ से। अब क्या होता है, 17 अप्रैल 1985 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जॉन एफ कीनन सजेस्ट करते हैं दैट फंडामेंटल ह्यूमन डिशेंसी रिक्वायर टू यूसीसी टू प्रोवाइड इट इमीडिएट हेल्प द इंजर्ड पर्सन सो दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवेन टू दोज हु इज विक्टिम्स। अब मार्च 1986 में क्या होता है, यूसीसी प्रपोज करता है अ सेटलमेंट फिगर ऑफ $350 million का प्रपोज करता है, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है कि ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करती है फ्रॉम यूनियन कार्बाइड, और वो क्लेम करती है कि उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा कम से कम $3.3 billion का। अब इवेंचुअली क्या होता है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट जो कि 1989 फरवरी में होता है और यूनियन कार्बाइड एग्री हो जाती है $470 million पे करने को जो डैमेजेस कोज हुए हैं भोपाल डिजास्टर में। दोस्तों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे भोपाल की औरतें प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर और जो मैन एक्यूज्ड को सज़ा दिलाने के लिए जो कि छूट चुका है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म हेल्थ इफ़ेक्ट रहा भोपाल के नागरिकों के लिए। और जब क्लिनिकल स्टडीज़ हुई तो उसमें पाया गया कि जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स रहा लोगों पर, जैसे कि आइज़ में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्रोनिक कंजक्टिविटीज, स्कार्स ऑन कॉर्निया, कॉर्नियल ओपेसिटीज, अर्ली कैटरेक्ट्स। दोस्तों दूसरा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव एंड और रिस्ट्रक्टिव डिजीज, यहाँ तक कि अग्रेवेशन ऑफ टीबी के भी शिकायतें आने लगी। और अगर बात करें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की तो इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम तक आने लगी। फाइनर मोटर स्किल्स, जिसमें क्या होता है स्मॉल मूवमेंट ऑफ फिंगर्स क्या है वर्क करना बंद कर देते हैं, जैसे फिंगर्स टंग ये सब क्या है मूवमेंट करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं फाइनर मोटर स्किल्स में, और नमनेस एटसेट्रा। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, मोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है उनको पुरानी बातें याद आने लगती है, जो भयानक दर्दनाक जो हुआ था उनके साथ बीती हुई चीज़ें याद आने लगती है, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी वो
से भी वो पीड़ित हो जाते हैं। और जो चिल्ड्रंस हेल्थ है, पेरी एंड नियोनेटल डेथ रेट्स इंक्रीजेस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि 300% तक इंक्रीज़ हो गया था, और फेलियर टू ग्रो एक्सेट्रा, उनका प्रॉपर प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाता है जैसे कि होना चाहिए एज नॉर्मल चाइल्ड। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, वो फिजिकली हैंडीकैप भी होते होने लगे थे। दोस्तों ये कंप्लीट एनालिसिस था इस पूरे टॉपिक का। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी जो कि 35 साल के बाद विशाखापट्टनम गैस लीकेज के बारे में, जिसके बारे में अनुराग जो कि स्टडी स्कैन के मेंबर है, उन्होंने वीडियो में बताया कि कैसे एक और गैस लीक का केस वाइजेग में हुआ। तो आपको डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक इसमें आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो उसे। आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।